Conversant with means knowing about something, familiar with something. इसका हिंदी मीनिंग होता है से परिचित होना और मराठी मीनिंग होता है परिचय असणे, माहिती असणे. Deficit. Deficit means the amount by which the money that you spend is more than the money that you receive. इसका हिंदी मीनिंग होता है आमदनी कम और खर्चा ज्यादा. मराठी मीनिंग होता है तूट किंवा घट. Categorical. Categorical means express clearly and in a way that shows that you are very sure about what you are saying. Means हिंदी मीनिंग होता है साफ साफ, स्पष्ट रूप से, और मराठी मीनिंग होता है स्पष्ट पने, निसंदिग्ध पने. Subjudice. Subjudice means still before the court. इसका हिंदी मीनिंग होता है अभी भी अदालत में है, जिसका फैसला नहीं हुआ है, still before the court. और अदालत में विचाराधीन है. इसका मराठी मीनिंग होता है न्यायालयाधीन. Batter. Batter means to strike with a repeated blow so as to break. इसका हिंदी मीनिंग होता है पीटना. Penchant. Penchant means inclination, strong liking. Means हिंदी मीनिंग होता है बहुत भाना, विशेष रुचि. और मराठी मीनिंग होता है तीव्र, खूब आवड. Backlash. Backlash means when people react against an idea which was previously popular. इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिक्षेप और मराठी मीनिंग होता है उल्टी प्रतिक्रिया. Expedite. Expedite means speed up. इसका हिंदी मीनिंग काम की गति तेज करना और मराठी मीनिंग होता है वेग बढ़ाने. Rigmarole. Rigmarole means boring, foolish talk or activity. Words or action without meaning, nonsense. इसका हिंदी मीनिंग होता है पकाऊ, दिमाग चटने वाला. पर मराठी मीनिंग होता है नीरस, रटाळ, कंटाळवाने. डोडो. डोडो मीन्स डोडो वॉज ए लार्ज क्लमजी बर्ड नॉट एबल टू फ्लाय. डोडोज लिव्ड इन ऑन द आयलैंड ऑफ मॉरिशियस इन द इंडियन ओशियन एंड बिकेम एक्सटिंक्ट इन द 1600. यस. इसका हिंदी मीनिंग होता है निस्तेज और मराठी मीनिंग सेम है निस्तेज. इन यूनिसन means together. इसका हिंदी मीनिंग होता है एक ही आवाज के साथ और मराठी मीनिंग एकत्र. बेटनवार. बेटनवार means a person or thing that one dislikes. इसका हिंदी मीनिंग होता है सिरदर्द और मराठी मीनिंग डोके दुखे असलेला, ना आवडता. हिडोनिज्म. हिडोनिज्म means to doctrine that pleasure or happiness is the highest good belief. प्रैक्टिस ऑफ लिविंग ओनली फॉर प्लीजर. इसका हिंदी मीनिंग होता है खाओ पियो ऐश करो ऐसा सिद्धांत. मार. मार मीन्स टू स्पॉइल, बिगाड़ना. मराठी मीनिंग है खराब करने. रिजेम्बल. रिजेम्बल मीन्स टू लुक लाइक समवन आर समथिंग. इसका हिंदी मीनिंग होता है एक समान दिखना और मराठी मीनिंग होता है एक सारखे दिसने. रफल. रफल मीन्स मूव. इसका हिंदी मीनिंग होता है हिलाना और मराठी मीनिंग हलने. पोटेंट. पोटेंट मीन्स पावरफुल. इसका हिंदी मीनिंग होता है शक्तिशाली और मराठी मीनिंग होता है शक्तिमान. अपुलेंट. अपुलेंट मीन्स रिच, हैविंग वेल्थ. अपुलेंट अबंडेंट, हैविंग ग्रेट क्वांटिटी. इसका हिंदी मीनिंग होता है विपुल, समृद्ध. मराठी मीनिंग होता है श्रीमंत, धनवान. Endorse. Endorse means to say publicly that you support a person or action. इसका हिंदी मीनिंग होता है खुलेआम समर्थन देना और मराठी मीनिंग होता है समर्थन करने. Haphazard. Haphazard means not planned. इसका हिंदी मीनिंग अव्यवस्थित और मराठी मीनिंग होता है अनियोजित, अव्यवस्थित. Profound. Profound means not planned. इसका हिंदी मीनिंग अगाध, बहुत गहरा और मराठी मीनिंग होता है अगाध, खूब खोलवरचा विचार असलेला. Profuse. Profuse means a lot, in a great quantity. इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत ज्यादा मात्रा में और मराठी मीनिंग होता है खूब प्रमाण असलेले, भरपूर, पुष्कळ. Pogrom. Holocaust means genocide. इसका हिंदी मीनिंग होता है
हत्याकांड, और मराठी मीनिंग होता है सेल हत्याकांड। परसिस्टेंस, परसिस्टेंट मीन्स एसबी अनप्लीजेंट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट रीड आउट। इसका हिंदी मीनिंग होता है लगातार परेशान करना, और मराठी मीनिंग होता है खूब वेळ त्रास देत असलेला। प्लुरलिझम, प्लुरलिझम मीन्स टू एक्झिस्टन्स इन अ सोसायटी ऑफ मेनी डिफरंट बिलीफ्स अँड ओपिनियन्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनेकवाद, और सेम मीनिंग मराठी होता है अनेकवाद। मेहम, मेहम मीन्स ए वायलेंट चोर्स, मीन्स खून की होली। इसका हिंदी मीनिंग खून की होली, और मराठी मीनिंग होता है हिंसेचा गदारोळ। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मीन्स वन हु इज वैगिंग अ वॉर, मीन्स हिंदी मीनिंग होता है आक्रमक, और मराठी मीनिंग होता है युद्धखोर, युद्धाचा कुमकुमी असलेला। बिलीगर्ड, बिलीगर्ड मीन्स वन हु इज बिसिक। इसका हिंदी मीनिंग होता है घिरा हुआ, और मराठी मीनिंग होता है घेराव पडलेले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।